ये जैसे एक चक्की घर से बाहर हुई, हजारों बीमारी आपके घर के अंदर आ गई। सो बातों की एक बात है कि जिसके घर में चक्की है हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी आज की समस्या है, ज्यादातर लोगों के पेट खराब रहते हैं। गाँव में फिर भी कुछ ठीक है क्योंकि थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है, शहरों में बैठक की वो व्यवस्था होती है, तो लगभग लोगों के पेट खराब रहते हैं। उस पेट को ठीक करना है तो उसका यही एक इलाज है, चक्की चलाओ। चक्की चलाने वाले का तो स्वास्थ्य ठीक रहना ही रहना है, जो इसका आटा खाएगा उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर बंद पैकेट आप लेके आते हो तो कितने दिन का है, किसने पीसा है, कैसे पीसा है, वही पता नहीं है। फिर अगर आप घर की गेहूं है आप ले जाके देते हो, फिर भी आप महीने दो महीने का कट्टा पीस के लेके आते हो। बरसात के समय में तो वैसा वे आप 10-12 दिन में पुराना भी आटा आप देखोगे ना घर में, तो कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो रोजाना खुद की एक्सरसाइज होगी, खुद का योग व्यायाम होगा, खुद ताजा पीसो ताजा खाओ, दिक्कत कहाँ। सुबह सुबह पार्कों में तो बहुत जगह देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे और ऐसे ऐसे ये वो चलाते हैं, ऐसे क्या कर रहे हो जी, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है इसको घर में रखो ना आप। इसका चलाने का तरीका भी यही है, वो जो वास्ते में कर रहे हैं ना, वो वास्ते के ये पैर दोनों कोई पीडा वगैरह ले लो आप, जिसका आपने आवश्यकता उसी हिसाब से ऊपर नीचे पैर साइडों में करना है, ऐसे चलाना है इस पर। ये चलाओगे ना आप तो ये नहीं है कि जी एक अकेले हाथ को जोर आ रहा है या अकेले कमर को जोर आ रहा है, इसमें पेट की चर्बी भी आपकी कम होगी, कमर का दर्द भी ठीक होगा और एडी से चोटी तक पसीना आएगा, पूरी सब चीजों की एक्सरसाइज हो जाएगी। किसान भाइयों नमस्कार, आज आप प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पुराने जमाने में जो अपने अक्सर दादी परदादी माताएं बहनें इस तरीके की आटा चक्की या हाथ से चलने वाली आटा चक्कियाँ इस्तेमाल करती थी। आज वो चीज़ भाई साहब अपने को दिखा रहे हैं, हालांकि इनके पास से आपको मिल भी जाएगी, कहां से कितने रुपए में मिलेगी सारी जानकारी देंगे। राम राम जी भाई साहब, मैं जयप्रकाश चौधरी नोहर राजस्थान से। तो आज अपने दुफारी माटो पीसन लाग रहे हो क्या भाभी जी? रोटी बनावा भाई साहब। अच्छा, पीस के बनावा खाना लगा दिया गया तो। हाँ, अब ये बताओ अपने जी, एक तो पहले जो अपने आटा चक्कियाँ थी इस टाइप की पुराने जमाने में, और एक जो आजकल आने लगी आपने वो रख रखी है एक थोड़ी सी, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पाउडर पीसने के लिए रहती है वो। ठीक है जी, एक ये, हालांकि चलन में तो आजकल हर घर में वो मिलेगी, ये चीजें तो घर से आउट हो गई, लेकिन जैसे जैसे ये आउट हुई तो इनके साथ में कुछ सारी चीजें बीमारियां भी घुस गई घर में, क्योंकि अक्सर अपने उस चक्की के अंदर जो चूनी आटा बनाते हैं वो गर्म होने की वजह से उसका पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं, हाई स्पीड में हो जाता है, पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, गर्म हो जाता है सारा कुछ है। ऐसा कमेंट करते हैं भी गर्म तो हम रोटी बनाते हैं तो भी होता है, तो उसमें गर्म और उस रोटी वाले में हर चीज की एक प्रोसेस होता है, उसमें अपना आटा पानी में गूंथते हैं, उसके साथ वो सिकता है रोटी बनाते हैं दम बिल्कुल, और सूखा है उसमें एक इतना भयंकर प्रेशर होता है, इतनी हाई स्पीड होती है कि उसके अंदर उसके कण खत्म होते हैं बिल्कुल, वो गर्म होने से नहीं, गर्म होने के हर चीज का अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो चीज अपनी थाली में आने से पहले सिर्फ एक बार गर्म होनी चाहिए, लेकिन वो तो पहले तो चक्की में गर्म होगी, उसके बाद फिर अपने जैसे रसोई में बनेगी तो गर्म होगी। अच्छा, ये चीज अपनी मिल कहाँ से जाएगी पहले वो बताओ। ये हम बनाते हैं भाई साहब, हमारे ये देखो और चक्कियां रखी हुई, हमारा यही काम है। ये देखो ये सारी किलियां है, इनके बीच में जो किलियां लगती है वो है। ठीक है, ये सब बना के हम बाहर ट्रांसपोर्ट से जाता है सब जगह सामान ये। ठीक है, यानी कोई साथी अपनी वीडियो देख रहा है उनको ये पसंद आ गई लेना चाहिए तो आपसे मंगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मंगा सकता है, ट्रांसपोर्ट से आपके जहाँ भी होगा वहाँ तक आ जाएगा, बहुत से साथी तो यहाँ लेने भी आते हैं। ठीक है, क्या कॉस्ट है इसकी? अभी प्रेजेंट टाइम में 6,500 रुपये है, बाकी जिस दिन आप फोन करोगे या आपको आवश्यकता होगी उस दिन का जो रेट होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके नीचे जो लकड़ी लगी है वो किस चीज़ की है? वो वैसा वे ये पूरा थाला है ना, ये नीम और बबूल की लकड़ी लगती है। ठीक है, ज्यादातर नीम रहता है और फिर कई बार बबूल की देसी बबूल और बाई चांस ये कुछ पिस भी जाए साथ में आटे में आ जाए तो नुकसान कुछ नहीं। इसका तो आता ही नहीं, इस पे तो आटा सिर्फ गिरेगा अपने को कपड़े से या बुर से निकालना है, ये इधर गेट लगा हुआ है ये देखो। ठीक है, यहाँ से आटा बाहर निकालने का, बाहर निकालने का है और ये हल्का बारीक करने का है। ठीक है, अच्छा जैसे अपने चून बारीक पीसना है मोटा पीसना है तो मोटा दाब कम ज्यादा कर सकते हैं, आप हल्का बारीक कर सकते हो। ठीक है, एक घंटे में वैसा वो आपके चलाने में डिपेंड करता है, अगर नया बंदा कोई होगा ना तो घंटे में किलो भर निकालेगा, और जैसे जैसे आप चलाना सीख जाओगे आप एक घंटे में 1.5-2 किलो तक निकाल लोगे।